17 लोग जो मेरे साथ आए हैं, कैंसर से मर गए जी। 17 लोग जो आपके साथ आए थे वो मर चुके हैं। सारे रिपोर्ट सामान्य आए हैं, आपके रक्त कण की संख्या बढ़ गया करके उन्होंने बताया। कैंसर से ठीक हुआ जी। यीशु ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया। कैंसर है ही नहीं करके बताए। मुझे कैंसर है करके बताया, डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। पेट में गांठ नहीं है करके बताया ना। हालेलुया। मुझे गुर्दे का समस्या था पास्टर जी, प्रार्थना तेल का उपयोग करने के बाद उससे मुझे छुटकारा मिला। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया, लेकिन यीशु ने मुझे नए गुर्दे दिए। मेरे लिवर का समस्या सामान्य आया जी। लिवर की समस्या थी, संपूर्ण रीति से चंगाई हुआ। लिवर पूरी तरह से टीकों के सही आकार में है। हृदय में पानी कम हो गया, हृदय बढ़ने का समस्या भी कम होकर सामान्य रिपोर्ट आया जी। आपके हृदय के तीनों ब्लॉक्स कब गए? पिछले बार मैं अस्पताल को गया था पास्टर जी, उन्होंने सारे जांच करवाए और एंजियोग्रामी करवाए, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है करके बताया है। जहाँ पे पसली नहीं था, अभी आके उस स्थान में पहुँच गए करके डॉक्टरों ने बताए। मेरा बेटे को चलना फिरना सिखाया, पहले ये बातें नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से बातें कर क्या पा रहा बात है। हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में पिंड ही नहीं है, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा खाली गर्भाशय में यीशु ने एक पिंड को निर्माण किया। मेरी शादी होके 29 साल के बाद बेटा हुआ। 27 साल के बाद लड़का है लड़की? बेटा। वाओ, 27 इयर्स। हालेलुया। एम विजया जी, मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की, डॉक्टरों ने कहा कि वो बच नहीं पाएगा। प्रार्थना तेल लगाया और मैंने प्रार्थना को पढ़ा, अभी पूरी तौर पर चंगाई हो गई। प्रभु आशीष दे विजय जी। अंडालू जी, आपको 5 साल से हिर्निया है क्या? हिर्निया के लिए ऑपरेशन करते हैं ना अंडालू जी? मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया जी, क्योंकि मैंने एक विश्वासी हूँ, परसों जांच किया था, 2,500 रुपए खर्च करके मैंने जांच करवाया जी। मेरे सारे रिपोर्ट सामान्य आए जी, मैंने यीशु पे विश्वास रखा जी, उन्होंने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। साथ ही साथ मेरे हृदय का समस्या भी यीशु ने निकाल दिया जी, और हर्निया से भी छुटकारा मिला जी। मंगतायरू जी, ये कलीसिया में 2 साल से आ रही हैं, ईस्ट गोदावरी जिले से आई हैं, प्रार्थना तेल और प्रभु भोज के द्वारा 25 साल के सूर्यासी समस्या से चंगाई मिली है, स्टेज के ऊपर आई है। राजौल तालुका से आई जी, यहाँ पे मेरे मामी और मामा रहते हैं जी। मैं 3 साल से नियमित रूप से आ रही हूँ जी, लेकिन ये सूर्यासिस कम नहीं हुआ जी, शरीर से पीप जैसा निकलते रहता था जी। फिर मेरे मामा लोगों ने कहा मुझे यहाँ आने के लिए, तो मैं आ रही हूँ जी। आप हर गुरुवार प्रार्थना सभा रखते थे ना जी, मैं वहाँ पे भी आती थी जी। ठीक है जी, आते थे। ठीक है। मैं नियमित रूप से प्रभु बोझ लेके प्रार्थना तेल लगाने के बाद वो सूर्यासिस समस्या पूरी तरह से गया जी, अब कम हो गया। प्रार्थना तेल लगाकर और प्रभु बोझ जी कम हो गया, पूरी तरह से कम हो गया। 25 साल से है कि आपको सूर्यासिस? हाँ पास्टर जी। I now bring greetings to all the viewers in the mighty name of Jesus Christ. Samarthi Nasri Yeshu Masih ke naam se main sabka abhinandan karta hu. The previous episode we discussed about the will of God to heal. Aur pehle ke bhag mein jo hai humne changai dene ke bare mein Parmeshwar ki ichcha hai karke dekha hai. We have also seen the scriptures how God himself has taken his infirmities and sicknesses. Aur kis tarah se Parmeshwar ne jo hai hamari durbaltaon ko aur bimariyon ko utha liya hai. उसके बारे में बताया था। That means he is more than willing to heal us. इसका मतलब है कि हमसे बढ़कर परमेश्वर उत्सुक है कि हमें चंगाई कर सके। And we also have seen that God wants to heal us more than we ourselves want to be healed. और हमने ये देखा कि हमसे बढ़कर परमेश्वर जो है हम सबको चंगा करना चाहता है। I think this episode has given you faith that God will heal you. और ये संदेश के द्वारा जो है आपका विश्वास बढ़ गया है कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। Let's learn some more scriptures from the Bible about the will of God to heal. और परमेश्वर की इच्छा चंगाई के बारे में क्या है, आइए हम बाइबल में से और कुछ परिच्छेदों को पढ़ेंगे। Why I've been preaching this is because many people think that they are not worthy to be healed because maybe it is not God's will or maybe because they have sinned and they are not worthy to be healed because all these doubts arise. So we've been knowing the will of God from the word of God.
और ये संदेश का प्रचार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से जो लोग हैं उनके गलत काम के द्वारा, पाप के द्वारा उनके मन में एक संदेह या दोष की भावना आती है कि परमेश्वर हमें चंगाई नहीं देता है, हमें चंगाई नहीं कर सकता है करके, लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबको चंगाई करता है। Let's go to Matthew chapter 8. आइए मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय को देखेंगे। Let's read verse 2 and 3. आइए उसका दूसरा वचन और तीसरे वचन को पढ़ेंगे। And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou will, thou can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। If you see in verse 2, the leper knew about Jesus. और अगर आप दूसरे वचन में देखते कि कोढ़ी जो है वो यीशु मसीह के बारे में जानता है। He know that Jesus has been doing many miracles and he has healed many lepers. वो जानता है कि यीशु मसीह जो है बहुत से चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, बहुत से कोढ़ियों को उसने चंगा भी किया करके। He knew that he has supreme power to heal every sickness and disease. और वो ये भी जानता है कि उसके पास इतना सामर्थ्य है, एक श्रेष्ठ सामर्थ्य है कि सारी बीमारियों को वो चंगाई दे सकता है। But look at the way he is asking Jesus. लेकिन जिस प्रकार से वो यीशु मसीह से यहाँ पे कह रहा है उसे देखेंगे। He said, Lord, if thou will, thou can make me clean. वो कह रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। So he is thinking that, you know, if God wants, he will heal. If he doesn't want, maybe he doesn't heal. तो ये व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा है, तो परमेश्वर चाहता है तो मुझे चंगाई दे सकता है, अगर उसमें इसकी इच्छा नहीं है तो वो मुझे चंगा नहीं कर सकता है। So he is completely depending on the will of God to be healed. तो इसका मतलब है कि ये जो कोढ़ी व्यक्ति है, ये परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर है कि चंगाई केवल वही दे सकता है करके। Maybe he must have thought that maybe if it is not his will, he will not heal me. और वो इस प्रकार से भी सोचा होगा, अगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो मुझे चंगा नहीं कर सकता है। So because he has that doubt in his mind, तो देखेंगे कि संदेह जो है उसके हृदय में था। That's the reason why he is asking, Lord, if you will, you can heal me. इसीलिए वो पूछ रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। Many believers are like that today. और आज भी जो है बहुत से विश्वासी इसी प्रकार से है। We know that God has done many miracles and healed many people around us. और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और चमत्कार किया है, अद्भुतमय काम किया है। So we have faith in God that he is a healer. और हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि वो चंगाई करता है। But now we doubt whether he will heal me or not. लेकिन अभी जो है संदेह मेरे में आ गया है कि वो मुझे चंगा करेगा या नहीं। He has healed many people. और वो जो है बहुत से लोगों को चंगाई दे चुका है। Will he heal me? क्या मुझे चंगाई करेगा? Am I worthy for that? क्या उसके लिए मैं योग्य हूँ क्या? Will Jesus qualify me for that? क्या चंगाई के लिए यीशु मुझे योग्य करेगा क्या? Maybe the church is also now in doubt whether the Lord will do it or not. और कलीसिया भी जो है एक संदेह के घेरे में है, क्या यीशु ऐसा करेगा या नहीं? Now what the will of Jesus is, that is the will of the Father and the Holy Ghost. और यीशु मसीह की इच्छा ये है कि जो इच्छा पिता परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा का है। And now that Jesus is the head of the body, which is the church. और यीशु मसीह जो है वो कलीसिया यानी यीशु का शरीर का वो जो है प्रधान है। So the church should never doubt whether the Lord will heal or not. इसलिए कलीसिया को कभी भी संदेह नहीं करना है कि यीशु चंगाई करेगा या नहीं। Because the church should heal its people. क्योंकि कलीसिया जो है अपने लोगों को चंगाई करना चाहिए। They should receive healing from God. परमेश्वर के द्वारा चंगाई को पाना चाहिए। And they should also give an invitation to the Gentiles who doesn't know Jesus to come and be healed. और कलीसिया जो है अन्य जाति के जो लोग है जो यीशु को नहीं जानते हैं उनको न्योता देना है कि आप हमारे पास आइए और चंगाई को पाइए। Because God loved the whole world. क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया है। He said the church to be the light of the world. और उसने कलीसिया से कहा कि तू जगत की ज्योति है। As long as Jesus was on this earth, he was the light of the world. जब तक यीशु मसीह संसार में था, यीशु जगत की ज्योति था। But when he went, he told the disciples that you are the light of the world. जब यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया, तब अपने चेलों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। And I will work through you. और आपके द्वारा मैं काम करूंगा। So the church is a reflection of the will of God to the society. इसका मतलब कि कलीसिया जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो है एक साधन है जो अन्य जाति के लोगों के लिए। So if the church and believers themselves doubt whether healing is the will of God,
हाउ कैन दे डिलीवर द सोसाइटी। तो इसका मतलब जब कलीसिया ही जो है चंगाई के बारे में अस्मित है, जो है विचलित है, तो वो किस तरह से समाज के लिए जो है एक ज्योति का केंद्र बनेगा। इवन दो गॉड वॉन्ट्स हील एंड गॉड हिमसेल्फ हैज टेकन आवर सिकनेस एंड इन्फर्मिटीज बिकॉज ऑफ आवर डाउट वी आर नॉट रिसीविंग हिज हीलिंग। यहाँ तक कि जो है यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारियों को, हमारी निर्बलताओं को अपने कांधे पे उठा लिया है, लेकिन अभी भी हम जो है चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोष की भावना, संदेह की भावना हमारे हृदय में है। वी नॉट ओनली प्रे फॉर गॉड टू हील अस, और केवल जो है हम अपने लिए चंगाई की प्रार्थना नहीं करते हैं। When the Holy Spirit came, he taught us many things. जब पवित्र आत्मा आया, उसने बहुत सी बातों को सिखाया है। He will also teach us to ask God to receive the gift of healing from God. और पवित्र आत्मा हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह से चंगाई का वरदान हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। So we can also use the gift of God to heal others and make them know the will of God. तो इसके द्वारा जो है हम दूसरों को जो है चंगाई कर सकते हैं, और चंगाई का दान जो है हम दूसरों को दे सकते हैं। Let's go to Matthew chapter 8 verse 5 and 7. आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 और 7वें वचन को पढ़ेंगे। From 5 to 7. 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him and saying, Lord, my servant lieth at home sick of palsy, grievously tormented. And Jesus said unto him, I will come and heal him. जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। This centurion has told Jesus that his servant is at home and he is grievously tormented and sick. और यहाँ पे ये सुबेदार जो है वो यीशु मसीह से कह रहा है कि मेरा जो सेवक है घर में है और लकवे की रोग से जो है वो पीड़ित है। Look what Jesus said. और यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए। Jesus didn't tell that bring him, I will heal him. और यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि उसे लेके आओ, मैं उसे चंगा करूंगा। He didn't even ask him, why didn't you bring him? और यीशु ने ऐसे नहीं पूछा कि तुमने अपने साथ उसे क्यों नहीं लाया। Look, he says, I will come and heal him. और यीशु कह रहा है कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। So Jesus is more willing to and passionate to heal him as passionate as the centurion. इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है इस व्यक्ति को जो है चंगा करने के लिए उत्सुक है, इवन जो है सुवेदार से बढ़कर जो है वो यहाँ पे उत्सुकता से चंगा करना चाहता है। So Jesus is doesn't mind to go all the way to his home to heal that one sick person. तो एक बीमार व्यक्ति को चंगा करने के लिए जो है यीशु मसीह यहाँ पे नहीं हिचकिचा रहा है, वो जो उसके घर जाने को तैयार है। Now you can know the will of God and the passion of God to heal the sick. तो इसका मतलब है कि इस परिच्छेद के द्वारा परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की जो भावनाओं को जान सकते हैं कि किस तरह से वो चंगाई दे सकता है। The only thing that God cannot do is he will not force you to be healed. और परमेश्वर एक जो है काम वो नहीं कर सकता है, वो आपको जो है जबरदस्ती आपके साथ नहीं करना चाहता है चंगाई पाने के लिए। Because he has given us an independent will to choose. क्योंकि परमेश्वर ने जो है एक स्वतंत्र स्वइच्छा हमारे हृदय में दिया है। That gift has been given to us from God. और ये जो दान है ये परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। So God will not touch that will. और इस स्वइच्छा को जो है परमेश्वर छूता नहीं है। But he has given the ability to discern between good and bad and do good. लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है जो अच्छा है जो बुरा है वो दोनों के बीच में चुनने के लिए हमें सक्षमता और सहायता दिया है। So if you choose to come to God, he will surely heal you. अगर आप परमेश्वर के समक्ष आना चाहते हैं तो परमेश्वर निश्चय तुम्हें चंगाई देगा। If you believe and if you pray, Jesus come and heal me. Even though he is in heaven, he has sent his Holy Ghost to the earth. So the Holy Ghost will heal you. जब आप उसके समक्ष आएंगे और कहेंगे यीशु जी मुझे चंगाई दीजिए, यहाँ तक कि यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन उसके पवित्र आत्मा को आपके पास भेजेगा और आपको चंगाई देगा। All it takes is to you to believe in heart and just release a prayer for healing. केवल जो है आपको एक काम करना है कि आपके हृदय में विश्वास करना है और चंगाई के लिए जो है आपको प्रार्थना करते रहना है। There are many angels waiting and even God is waiting, you know, so that you will release a word or a prayer of faith. और हम देखिए बहुत से जो स्वर्गदूत है वो लोग जो है आपकी प्रार्थनाओं को जो है वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, राह देख रहे, ताकि परमेश्वर उनको भेज सके और आपको जो है चंगाई दे सके। Let's go to Matthew chapter 9. आइए हम जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को खोलेंगे।
Let's read from verse 27 to 31. आइए उसके 27वें वचन से लेकर 31वें वचन तक पढ़ेंगे। And when Jesus departed, then two blind men followed him, crying and saying, "Thou son of David, have mercy on us." And when he was coming to the house, the blind man came to him, and Jesus said unto them, "Believe you that I am able to do this?" They said unto him, "Yea, Lord." Then touched he their eyes, saying, "According to your faith, be it unto you." And their eyes were open. And Jesus straightly charged them, saying, "See that no man know it." But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country. जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते चले आए, "हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर." जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, "क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ?" उन्होंने उससे कहा, "हाँ प्रभु." तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, "तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो." और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, "सावधान, कोई इस बात को ना जाने." Now we see here two blind men, they followed Jesus and they asked him to heal them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अंधे लोग हैं, वो यीशु मसीह के पीछे आए और उसे पुकारते हुए पूछे कि हमें चंगाई दीजिए। And Jesus knew that they believed and they are coming. और यीशु मसीह जानता है कि उन्होंने विश्वास किया है, उसके पीछे आ रहे हैं। So he asked them, "Believe you that I am able to do this?" और यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? Then they said, "Yes." तब उन्होंने कहा, "हाँ प्रभु." Then he said, "According to your faith, be healed." तब यीशु ने कहा, "तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो." What does it mean? इसका मतलब क्या है? God has already given us the power to be healed. इसका मतलब परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम चंगाई दे सके, चंगाई पा सके। God has already healed us. परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से चंगाई दिया है। So as we start believing God, we receive that healing. जब हम परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, तो उस चंगाई को जो है हम प्राप्त करते हैं। God is a good God and he has already given the grace to be healed. परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर ने अनुग्रह को दिया है ताकि चंगा हो सके। So if we believe, we will partake that grace and we will be healed. तो जब हम विश्वास करते हैं, तो उस चंगाई, उस अनुग्रह में जो हम भाग ले सकते हैं और चंगाई को पा सकते हैं। Many times Jesus publicly healed many people. और यीशु मसीह ने जनसभाओं में जो है बहुत से लोगों को चंगाई दिया है। And the message spread abroad. और हम देखेंगे उसका जो यश है, उसका जो प्रसिद्धि है, चारों तरफ फैल गया। And he didn't tell them not to spread it abroad. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि आप जो है चारों तरफ मत फैलाइए। But now here he tells this two blind men not to spread it abroad. लेकिन यहाँ पे जो है ये दो अंधों से यीशु कह रहा है कि इस बात को तुम किसी से ना कहना। Why? क्यों? Many people tell me he healed them and he didn't tell them to testify. But why are you putting them on the television? और बहुत से इस प्रकार से कहते हैं कि यीशु मसीह ने चंगाई दिया है, लेकिन किसी से ना कहने के लिए उसने कहा, लेकिन आप तो चंगाई देते हैं और टीवी में जो है उनकी गवाहियों को आप प्रचार करते हैं, इसका मतलब क्या है? So if God doesn't want us to know that he will heal, he would have told the disciples and the Holy Spirit not to put that in the Bible. अगर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि जो है ये बातें सारे लोगों को पता चले, तो वो जो है चेलों से और पवित्र आत्मा से ये नहीं कहता था कि बाइबल में लिखे। So now the situation is different. और यहाँ का जो परिस्थिति वो अलग है। The fame has spread abroad so much that now the Pharisees and Sadducees and the rulers want to kill him. और यीशु मसीह का जो प्रसिद्धि है, उसका चारों तरफ उसका यश फैल गया, तो जितने भी फरीसी लोग हैं, सदूसी लोग हैं और जितने भी वहां पे लोग, वो सब लोग जो है यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। But his heart for healing is the same. लेकिन उसका जो हृदय है चंगाई के लिए, वो एक जैसा ही था। Whether you spread abroad it or not, he wants you to heal. वो शायद उसकी प्रसिद्धि जो है सारे जगह फैल गई है या नहीं, लेकिन वो जो है चंगाई देना चाहता है। He wants to heal you anyway. आप कहां भी हो, वो आपको चंगाई दो। You know, even though it spreads abroad, you know, they cannot kill him before his hour comes. और यहाँ तक कि यीशु मसीह की प्रसिद्धि चारों तरफ सब जगह फैल गई, लेकिन उसका समय आने तक वो लोग जो है उसे नहीं मार सकते थे। But yet Jesus told the two blind men not to reveal this. लेकिन यहाँ तक कि यीशु मसीह ने वो दोनों अंधों से कहा कि तुम जाके किसी से मत कहना। In one scripture, when he cast out a legion from you know, a man who is possessed with demons. और एक घटना में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति जो अनेक दुष्टात्माओं से पीड़ित था, उसे चंगा किया। When he wants to follow Jesus, जब वो यीशु मसीह का पीछा करना चाहता था, Jesus told him, "Go and tell this news to everyone, and tell how
God has delivered you and how he has done good things to you. और यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता कि तू चारों तरफ जा और लोगों को तू यह बता कि परमेश्वर ने किस तरह से तुझे छुटकारा दिया है, दुष्ट आत्माओं से किस तरह से बचाया है. And he went and spread abroad that news in 10 cities. और वो जो है 10 शहरों में जो है जाके उसने प्रचार किया. Because that was the place where the gospel was not yet spread. और वो ऐसा एक स्थान था जो है तब तक जो है वापस सुसमाचार का प्रचार नहीं गया था. But now here they are seeking to kill Jesus, so he's telling them not to spread it abroad anymore. लेकिन इस परिच्छेद में जो है सदूसी और फरीसी जो लोग हैं वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, इसीलिए यीशु मसीह जो इस दो अंधों से चिताकर कह रहा है कि तुम किसी को मत बताओ. Let's go to Matthew chapter 10. आइए मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय को पढ़ेंगे. Verse 1. उसका पहला वचन. When he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे. And he tells in verse 8 that you know that freely you have received, so freely give. और वो आठवें वचन में कह रहा है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं के जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो. Jesus knew that his time here was short. He has to die on the cross and go to heaven. और यीशु मसीह यहाँ पे जानता है कि उसका समय का अंत आ गया है, उसे क्रूस पे मरना है और उसे स्वर्ग जाना है. But he wants his compassion and mercy and healing power to stay to heal people on this earth. लेकिन यीशु मसीह चाहता कि संसार में जो है उसकी करुणा, उसकी चंगाई का सामर्थ्य रहे. So he has given that power and authority to disciples to do the same. इसीलिए जो है यीशु मसीह ने अपनी चेलों को जो है वो अधिकार दिया है, जो अद्भुतमय काम यीशु मसीह करता था वो लोग भी कर सके. So for 2000 years. और पिछले 2000 सालों से. His name has power. उसके नाम में जो है शक्ति है. And one who has ears will hear the prayer of healing. और जिसके पास कान है वो लोग जो है चंगाई की प्रार्थना को सुनते हैं. And it is the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको चंगाई देता है. Let us pray. आइए प्रार्थना करें. Put your right hand where you're sick. जहाँ कहीं आप बीमार हैं अपना दाहिना हाथ को रखिए. I think now you're not doubting at all that whether God would heal you or not. और इस संदेश के बाद जो है जो संदेह है आप में है वो नहीं रहेगा कि परमेश्वर चंगाई करेगा या नहीं. It's his will to heal you. यह है उसकी इच्छा है कि वो आपको चंगाई कर सके. Father, in the name of Jesus. पिता परमेश्वर यीशु के द्वारा. Heal all the viewers who are watching this episode. सारे दर्शकों को चंगाई दीजिए. Let every incurable disease be healed in Jesus' name. और हर एक जो गंभीर बीमारी है वो लोग उसे चंगाई पा सके. Every unbearable pain be healed in Jesus' name. जो भयानक दर्द है उसे जो है वो लोग चंगाई पा सके. Lord, those bones that have broken and who are limping, Lord, heal the bones. जो हड्डियां टूट चुके हैं, जो लोग लंगड़े हैं, उनकी हड्डियों को छूकर स्वस्थ कीजिए. You can even heal the people from polio, Lord. Heal them in Jesus' name. और जो लोग पोलियो से पीड़ित हैं, उनको यीशु के नाम से मैं चंगाई करता हूँ. Restore their limbs to be normal, because you are not just the healer but the creator. आप उनके गांठों को जो है चंगाई दीजिए, क्योंकि आप केवल चंगाई देने वाले नहीं है लेकिन आप सृष्टिकर्ता है. Let those limbs grow back to their normal position. और उनके जो गांठ है वहां से अदृश्य हो के उनका शरीर का हर एक हिस्सा जो है साधारण रूप से कार्य कर सके. Heal the children that are suffering with Down syndrome. और जो लोग जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है उन बच्चों को आप चंगाई दीजिए. Heal every person who is deaf and dumb. Heal him in Jesus' name. जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई दीजिए. Heal even the blind person. जो अंधे हैं, उनको चंगाई दीजिए. Heal those that are mentally and physically handicapped. जो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग हैं, उनको चंगाई दीजिए. Those who have diseases from their birth or from their forefathers or fathers, Lord, heal those congenital diseases in Jesus' name. पारंपरिक रूप से जो है जिनके शरीर में बीमारियां हैं, उन सारे भयानक बीमारियों से जो है उन्हें उन्हें जो चंगाई दीजिए. Every disease from birth also be healed in Jesus' name. और जन्म से ही जितनी बीमारियों से बच्चे पीड़ित या लोग हैं, उनको चंगाई दीजिए. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. करुणा जी, बच्चे की आशीष पाई है. पहले एक बार गर्भपात हो चुका है, ये दूसरी बार गर्भवती है. 10 साल का सर्दी पूरा कम हुआ. सर्दी किसको था? मुझे पास्टर जी. 10 साल से सर्दी है क्या? हाँ जी. बाप रे बाप. प्रभु आपको आशीषित करे. रविवार की आराधना को आप आए, 2 चिन्हों चमत्कार हो चुके हैं. गॉड ब्लेस यू जी. आज नारायणा जी कहाँ पे है? आप ही है ना? हाँ जी. आपके बेटे को मिर्गी समस्या से छुटकारा मिला है और दिमाग में खून का थक्का भी था. बताइए,
दिमाग में थक्का के कारण से मर गया था। दिमाग में थक्का के वजह से मर गया था। हाँ पास्टर जी, इसको हमने बहुत से अस्पतालों में दिखाया, जैसा कि CBR और गोकुल ट्रस्ट। कौन कौन से अस्पताल में? गोकुल ट्रस्ट जी। इसके अलावा CDR अस्पताल जो पुराना था उसमें भी गए। विजय रिलैक्सर बहुत से अस्पताल को घूमे, फिर भी कम नहीं हुआ। और इस कड़ी से हमें 2011 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तब से धीरे धीरे ये कम होते जा रहा था। मास्टर जी, मेरा बेटा वेंटिलेटर में था, पिछले साल भी गवाही बताया। उस वक्त यशोदा अस्पताल में वेंटिलेटर्स में था, पिछले शुक्रवार के दिन इसे उसी अस्पताल में गए। वो लोग जांच करने के बाद बताया कि इनका खून पूरा शुद्ध हो चुका है, सारे रिपोर्ट सामान्य आकर के बताए। क्या बात है, क्या बात है। कुछ चमत्कार धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ चमत्कारों को परमेश्वर धीरे धीरे करता है, लेकिन विश्वास के कारण बहुत पहले वो पूरा हो चुका है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो धीरे धीरे भी होता है। प्रभु आपको आशीषित करे। नारायण जी, आपको धन्यवाद। सरस्वती जी, रेजिमेंटल बाजार सिकंदराबाद से। आपका 15 साल का BP सामान्य आया क्या? पास्टर जी। 5 साल का मधुमेह भी सामान्य आया क्या? हाँ जी। इस 15 साल में कभी भी आपका BP सामान्य नहीं आया जी। मधुमेह भी कभी सामान्य नहीं आया? नहीं जी। तो फिर सामान्य कब हुआ? 3 महीने हुआ जी। 3 महीने पहले आपने जांच किया और 3 महीने से सामान्य? हाँ जी। BP और मधुमेह दोनों सामान्य है। हालेलुया, क्या बात है। धन्यवाद यीशु जी। रविवार हमारी आराधना और चंगाई प्रार्थना, हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स, PVNR फ्लाईओवर, पिल्लर नंबर 86, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हमारी दूसरी तेलुगु आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 5 बजे से 7 बजे तक। हमारा पता है VBR गार्डन्स, इंदिरा गांधी मूर्ति के पास, ओल्ड अलवाल, सिकंदराबाद। आपकी प्रार्थना विनती के लिए हमें संपर्क करें। हमारे नंबर 09701990006, 09701990007, 09701990098। अधिक जानकारी के लिए 0404747484848। हमारा वेबसाइट www.jcnm.org।